Hi all, this is Anjali. Welcome to the channel. So, आज हम करेंगे एक और computer network पे question. That is difference between switch and hub. So, ये question आपको case study में तो आता ही है, जहाँ पे पूछा जाता है कि बताओ switch and hub कहाँ place होगा. वो तो एक 100% short question है ही. तो जिसका answer होता है कि switch and hub हर unit में होना चाहिए. But ये भी आपसे 2 marks में पूछ सकते हैं कि what is the difference between switch and hub. दोनों में फर्क क्या है? So, let's see. कि हम स्विच एंड हब के बीच में डिफरेंसेस कैसे लिखेंगे इफ इट इज गिवन टू यू एज अ 2 mark क्वेश्चन, राइट? सो हमें पता है कि दोनों डिवाइसेस का काम क्या है, इनकमिंग रिक्वेस्ट को आउटगोइंग लाइन तक पहुंचाना. सो दे आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द डिवाइसेस विद ईच अदर. ठीक है, तो आप डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हो नेटवर्क में, उसके लिए हब और स्विच होता है. तो बोथ आर कनेक्टिंग डिवाइसेस. ठीक है, सो यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस इन अ नेटवर्क. अब फर्क क्या होता है, आप इसमें चाहो तो एक छोटा सा डायग्राम भी साथ में बना सकते हो. द स्विच और हब लुक्स लाइक दिस, जिसमें ऐसे छोटे छोटे RJ45 कनेक्टर्स के लिए सॉकेट्स होते हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं. एक मेन सॉकेट होता है एंड सम पोर्ट्स आर देयर, राइट? सो हब और स्विच लुक्स लाइक दिस. अब फर्क क्या है, मेजर फर्क जो है, स्विच जो है वो इंटेलिजेंट हब है, लेकिन जो हब है वो ब्रॉडकास्टिंग करती है. मतलब अगर उसने किसी को डेटा भेजना है तो वो सबके पास भेज देगी, तो ऑल द लाइंस विल गेट दैट मैसेज. जिसका एड्रेस मैच करेगा वो रख लेगा, जिसका एड्रेस मैच नहीं करेगा वो छोड़ देगा. दैट इज हब. कि हमारे पास कोई भी रिक्वेस्ट आई, जैसे इस लाइन पे आई, तो उसने सब पे भेज दिया, सब पे. अब जिसके पास पहुंचना होगा पहुंच जाएगा, ठीक है, और फिर वो एड्रेस मैच करेगा. मैच करता है तो रख लेगा, नहीं मैच करता तो नहीं रखेगा. लेकिन स्विच जो है वो इंटेलिजेंट है. स्विच ब्रॉडकास्ट नहीं करता, स्विच चेक करता है कि कहाँ पर जाना चाहिए सो दैट इट कैन रीच द डेस्टिनेशन. सो जिस तरफ को हम उसको डायरेक्ट करते हैं उधर जाता है, और उससे नेटवर्क ट्रैफिक कम हो जाता है. सो वी कैन से कि स्विच में क्या होता है, नेटवर्क ट्रैफिक कम हो जाता है. सो इट रिड्यूसेस द नेटवर्क ट्रैफिक, दैट इज द मेन पॉइंट. हब नेटवर्क ट्रैफिक को कम नहीं करता, उससे नेटवर्क ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ब्रॉडकास्टिंग करता है. ब्रॉडकास्टिंग मतलब हर किसी के पास मैसेज का जाना. वो आगे जाके एड्रेस चेक करेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वायर पे तो जा ही रहा है ना. तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आता है, डायरेक्ट भी आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन हब एंड स्विच, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मिस्टर सो एंड सो इज एस्टैब्लिशिंग अ नेटवर्क इन हिज ऑफिस, नाउ ही इज कंफ्यूज वेदर ही शुड यूज हब और ही शुड यूज स्विच. तो आप वहाँ पे बता सकते हो लाइक इट इज मल्टीपोर्ट डिवाइस विच प्रोवाइड्स एक्सेस टू कंप्यूटर्स. ठीक है, ये भी कनेक्टिंग डिवाइस है. इट फॉरवर्ड्स ईच इनकमिंग पैकेट टू ऑल दी हब पोर्ट, सबके पास भेजता है, ये स्पेसिफिक रेसिपेंट के पास भेजता है. सो हमें यूज़ कौन सा करना चाहिए, स्विच फॉर लार्ज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, जब कंप्यूटर ज़्यादा हों, क्योंकि इससे आपका नेटवर्क ट्रैफिक रेगुलेटेड रहता है. फाइन, सो दिस इज हाउ यू कैन आंसर फॉर हब एंड स्विच. सो ये आंसर्स अपने आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखना, सिर्फ देखने से नहीं आएंगे. ठीक है, आई नो काफ़ी बच्चे कहते हैं मैम इसकी PDF दे दो, मैम इसको ये दे दो. बेटा, PDF पढ़ने से वो चीज़ नहीं आती है जब अपने हाथ से लिखने से आती है. तो आपको यहाँ डिफरेंस दिख रहा है, मैंने समझाया है, इसको आप एक बार अपनी नोटबुक में अपने हाथ से लिखो, ताकि जब कल पेपर में लिखना होगा तो आपका दिमाग अपने आप उसको रजिस्टर कर लेगा. आपको चाहे लग भी रहा होगा आप भूल रहे हो, लेकिन एग्ज़ाम में आप वो चीज़ लिख पाओगे जो आप अपने हाथ से एक बार पहले लिख चुके हो. सो डू राइट इट वंस इन योर रजिस्टर, डू राइट इट, डू प्रैक्टिस इट, सो दैट जब पेपर में आए तो ऐसे ऐसे हो जाए फटाफट से, है ना. सो चलो, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो एंड वीडियोस देखते रहो, अच्छे से रिवीजन करो, एंड यू विल बी परफॉर्मिंग वेल. सो नो पैनिक, काम